नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सितारगंज क्षेत्र के अल्पसंख्यक मुसलमानों व क्षेत्र के लोगों द्वारा उप जिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप कर कहा गया कि वसीम रिजवी पूर्व चेयरमैन सिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा पवित्र धर्मग्रंथ कुरान की 26 आयतों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने, मुस्लिम धर्म अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर बार बार ठेस पहुंचाने, मुस्लिम समुदाय को बार बार अपमानित करने एवं देश के धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने के संबंध में विरोध प्रदर्शन करते हुए वसीम रिजवी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं का कहना है कि वसीम रिजवी द्वारा अनेकों बार मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है और हाल ही में एक षड्यंत्र के तहत पवित्र कुरान की आयतों के विरुद्ध उंगली उठाकर इस्लाम धर्म के मानने वालों की संवेदना को बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई गई है। आइए पूरी खबर जानते हैं उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता चरण सिंह सरारी की इस रिपोर्ट में। वसीम रिजवी का देखिए, देश में सद्भावनाओं को भड़काने का जो काम किया जा रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों मुसलमान हैं जिनकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है, जो कुरान शरीफ की आयतें निकालने के लिए रेड डाली गई है। वसीम रिजवी की इतनी औकात नहीं है, इसके पीछे कुछ और साजिशें जो हैं वो खेल कर रही हैं। तो हम यही लोगों से एक संदेश देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान सभी धर्मों का साझा देश है और यहाँ हम सब मिलकर रह रहे हैं, बहुत शांतिप्रिय देश है। आज कुरान शरीफ के खिलाफ आवाज़ उठेगी, कल किसी और धर्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर कोई किसी के धर्म के ऊपर आपत्ति करता है, कोई गलत टिप्पणी करता है, तो हम सब लोग, ये जो शांतिप्रिय लोग हैं, हम उस धर्म के साथ खड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म के साथ अगर गलत होगा तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और आज हम वसीम रिजवी का पुतला फूंक कर सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके के जो शरारती लोग हैं, शरारती तत्व हैं, जितना जल्दी हो सके अगर देश को बचाना है टूटने से, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। पवित्र ग्रंथ है जो कुरान को जो अमन का संदेश देता है, जो हमारे मुसलमान भाइयों की इसमें श्रद्धा है, आसमानी किताब बताया जाए जिसका कोई राइटर नहीं है, उस किताब में जो लिखा है उसको ये निकाल दो वो निकाल दो, ये जो भावना इन्होंने फैलाई है, राजनीतिकरण जो किया है इसका, वो अतनिंदनीय है। हम ये कहते हैं कि ऐसे आदमी के ऊपर जो हमारे करोड़ों अरबों जो हैं मुस्लिम भाई, उनकी श्रद्धा पर शेष बचाई है होता तो हम कहते हैं कि ये उनमें भूल हुई है, लेकिन ये भूल नहीं है, ये जानबूझकर राजनीति के चक्कर में ये हुआ है। हम उसके लिए कहते हैं कि उसको उम्र कैद और जब फांसी, ये 2 सजा से नीचे सजा उसके लिए बनती नहीं है। तो हम करें जल्दी से जल्दी वसीम रिजवी को गिरफ्तार करके उसको सजा दी जाए, और हम सभी लोग इसीलिए आए हैं कि उसको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। हम एक उस देश में रहते हैं जहाँ पूरे धर्मों का सौंदर्य है, और वहाँ जैसे सौंदर्य खराब करने वाली बात की है, हम उसके सजा के लिए।